गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। एडमिशन फॉर्म फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी आर आउट, LLB LLM फॉर्म्स आर आउट, सो लेट्स डिस्कस द नोटिफिकेशन जल्दी से। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के अंदर आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी 11 अप्रैल को, ठीक है ना। क्लोजिंग डेट है आपकी 10 जून 2022, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच बीच में हो जाएगा। उसके बाद 20 जुलाई को तो रिजल्ट आ जाएगा, और काउंसलिंग का फर्स्ट फेज आपका 30 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एनी ग्रेजुएट, अगर आपको 3 ईयर LLB करनी है तो यहाँ पे 3 ईयर LLB ही है, ठीक है। एनी ग्रेजुएट विद मिनिमम मार्क्स 45% फॉर जनरल कैटेगरी, 42% फॉर OBC, 40% फॉर SC ST, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में इतनी होनी चाहिए, ठीक है। पर सेमेस्टर फीस है आपकी 4565। रेगुलर आपकी LLB होगी, 320 सीट्स हैं, 6 सेमेस्टर होंगे इसके अंदर। और अगर आप मान लीजिए आप फाइनल ईयर में, आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और इसी साल 2022 के अंदर ही आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ये वाला फॉर्म भर सकते हो। LLM के लिए जो जनरल OBC कैटेगरी है उसको 50% मार्क्स चाहिए, SC ST को 48% चाहिए। 6545 आपकी फीस है, 4 सेमेस्टर्स है, मतलब 2 साल की, 2 ईयर्स की आपकी LLM है, ठीक है। 60 सीट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप पेरेंट्स का दे सकते हैं, स्कैन फोटोग्राफ चाहिए जो 50 KB अपलोड साइज है, स्कैन सिग्नेचर्स चाहिए JPEG फॉर्मेट में 50 KB ओनली, ठीक है। कैम स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके बाद आपका आ जाता है फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आप लगा सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी वो 1000 है जनरल OBC के लिए, 500 SC ST PH के लिए। EWS सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट। एप्लीकेंट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ EWS सीट्स हैव टू चूज येस इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज। द सर्टिफिकेट फॉर दिस मस्ट बी अपलोडेड इन दिस पेज वेयर देर इज एन ऑप्शन फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। दे वुड बी नीडिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो आपको ये अगर EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, द नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल हैव टू बी एंटर्ड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन OBC SC ST एप्लीकेंट्स। वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। द सर्टिफिकेट फॉर दिस मस्ट बी अपलोडेड ऑन दिस पेज वेयर देर इज एन ऑप्शन फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। एप्लीकेंट्स ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वुड रिक्वायर द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ये आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर लेना, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो चलिए पैटर्न ऑफ द एग्जाम देख लेते हैं। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो हमारा LLB 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला हुआ है कि 100 MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पैटर्न पता हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हमें इंडियन पॉलिटी होगी। इंडियन पॉलिटी क्या होती है? इंडियन पॉलिटी इज़ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन होंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाई हुई है। तो यू कैन बाय माई कोर्स, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, जल्दी से बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, आपका GK का पार्ट हो गया, मतलब करंट अफेयर्स हो गया। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा जो चैनल है एग्जाम आयर फॉलो करिए, वहाँ पे हम हर रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद हम स्टैटिक GK की भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब कुछ कवर करवाएंगे। लॉजिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, तो अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फ्रेश वीडियो करूँ 2022 के लिए, देन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू डू द वीडियो। ये सब आपके टॉपिक्स हैं। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आप 18 डेज वंडर की बुक ले सकते हैं। लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। GK के लिए आप एग्जाम आयर को फॉलो करें, और इंडियन पॉलिटी के लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, राइट। अगर वहीं पर हम LLM की बात करें, तो LLM के अंदर जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के लिए आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। और वैसे आप एक कंपाइल्ड बुक बाय कर सकते हैं यूनिवर्सल्स की, और या फिर आप सिंगल्स की बुक बाय कर सकते हैं। दोनों ही बढ़िया रहेंगी, LLM की प्रिपरेशन के लिए आती हैं। थ्योरी पढ़िए और फिर MCQ सॉल्व करिए। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये दोनों एग्जाम्स के लिए, LLB के लिए भी और
LLM के लिए भी. तो नेगेटिव मार्किंग है इन एग्जाम्स में, ये याद रखना. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. इफ यू डिड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन. दैट्स इट. लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून एंड ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर अ डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. ओके.